वंदे मातरम साथियों साथियों, आज एक बात से मैं शुरू कर रहा हूँ। अपने पीछे जो मेरे लगा हुआ है बैकग्राउंड, उसमें द पॉलिटिक्स ऑफ पोलियो, तो ये एक आर्टिकल है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी के दिमाग में डालना चाहता हूँ, ये कि आप सब सोचिए कि इस समय आपको जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जी जान लगाकर जो है वैक्सीन लगाने की जो तैयारी की जा रही है, आपको लगता नहीं कि ये कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जोश से काम कर रहे हैं, जो बाकी कामों में जोश इनका दिखाई नहीं देता? जो सरकारी जो तंत्र है, वो कोई ऐसी चीज जो आपकी भलाई की है, वो आप तक तो पहुंचाने के लिए इतना जबरदस्त तरीके से जो है वो पूरा तंत्र उसने डेवलप किया है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, पूरा एक तरह से पूरा तंत्र एक सामंजस्य में काम कर रहा है, एक 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 पेज पे है पूरा का पूरा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, सब एक तरीके से काम कर रहे हैं। ये आपको लगता नहीं कुछ बड़ा अद्वितीय सा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए, नहीं होता, हो ही रहा है कि जैसे ईसाई धर्म का जो है धर्मांतरण का एक प्रक्रिया चलता है। मैं देखता हूँ कई लोग सड़क पे घूम घूम कर लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप जो है ईसाई धर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लो, बहुत अच्छा धर्म है, हमारे धर्म में ये है वो है। तो मैं यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो धर्मांतरण के लिए जो प्रयास होता है, तो कुछ वीडियोस हमने देखे जिसमें उसने एक बंदे ने एक बहुत अच्छी बात कही, कभी तेरा धर्म अगर ये ईसाई धर्म इतना ही अच्छा है तो तुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम अपने आप ग्रहण कर लेंगे ना, अपने आप धारण कर लेंगे, इतनी अगर इसमें अच्छाई है तुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हम तो जैसे हम अब हिंदू धर्म है, हम तो नहीं जा रहे किसी के पास, तुम हिंदू बन जाओ हिंदू बन जाओ हिंदू बन जाओ, क्योंकि हमें पता है इसमें जो खूबियां हैं उसके कारण दुनिया इसकी तरफ मुड़ रही है। तो अगर आपकी कोई चीज, आपका कोई विचार इतना ही अच्छा है, तो आपको उसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बता दो, लेकिन एग्रेसिवली आप इतना करोगे कि आ जाओ इसमें कन्वर्ट हो जाओ या ले लो या वो कर लो, तभी होता है जब उसमें कुछ कमी होती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको इतना प्रोडक्टिवली ये जो दिया जा रहा है, इसमें अगर अच्छाई होगी तो हम अपने आप ले लेंगे ना, और अगर ऊपर से आपने खुद ही कह रखा है आरटीआई में कि ये स्वैच्छिक है, हर प्लेटफॉर्म से आप ये कह रहे हो आधिकारिक रूप से, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका होता है सरकार, किसी भी सरकार का, वो इस वैक्सीन के बारे में यही है कि ये स्वैच्छिक है, क्योंकि कंपल्सरी बोलते ही जो है सारी इसके साइड इफेक्ट वगैरह की भी जिम्मेदारी, जो आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं इसके, चाहे वैक्सीनेशन के कारण हो या वैक्सीनेशन के बाद हो, वो सबकी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। लेकिन कागजों में लिख दो कि स्वैच्छिक है, बाकी पूरा जो है सबके ऊपर सर पे डंडा कर दो कि आपको जो है लगवानी है। तो ये मैं, आप सोचिए, ये विचार मैं आपको दे रहा हूँ, सोचिए कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई लोगों में इतना विवेक नहीं है, हमें उनको बताना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनके लिए अच्छा है, तो मैं ये कहता हूँ फिर ये बाकी चीजों पर लागू क्यों नहीं होता? जैसे मान लीजिए ये सिगरेट शराब जितनी भी गुटखा उटका सब आप जो बेच रहे हो, तो फिर आप जब वो बेच रहे हो और बिकवा रहे हो, बकायदा लाइसेंस देकर शराब बिकवाते हो और आप लाइसेंस भी सबको अलॉट करते हो, तो उसमें भी यही होना चाहिए कि भाई लोगों का विवेक है, अगर वो उनके अंदर विवेक है तो वो अपने आप देखेंगे ना कि उसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक वैसे ही जैसे आपने वैक्सीन अगर लॉन्च की हुई है तो लोगों का विवेक है ना, तब आप कहते हो कि नहीं ये तो हम रेवेन्यू के लिए लोगों को तो हम बता ही रहे हैं, जागरूक कर ही रहे हैं कि शराब पीना खतरनाक है, सिगरेट पीना खतरनाक है, धूम्रपान खतरनाक है, लेकिन लोगों का विवेक जो है वो उसको ले या ना ले। तो यही एग्जैक्टली आप इस वैक्सीन पे या बाकी चीजों पर अप्लाई क्यों नहीं करते हो भाई? अगर ये खराब है या अच्छी है तो लोग अपने विवेक से कर लेंगे ना, आप केवल जानकारी दो ना कि भाई इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो लेकिन आपने इसे स्वैच्छिक करके अब कंपल्सरी करने की हर टेक्निक आप लोग अपना रहे हो, जो हमें लगता है कि सब इस मतलब देश में ऐसा काम कभी शायद हुआ ही ना। क्योंकि मैं पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे नसबंदी का जो है इमरजेंसी का टाइम आया, तो नसबंदी के समय भी जो है लालच देकर, मैंने देखा कुछ फोटोग्राफ आए थे जिसमें ये दिखाया था कि रथ का एक घी का डब्बा और एक घड़ी गिफ्ट दे रहे हैं जो नसबंदी करवा रहा, तो एक घड़ी और रथ के घी के डिब्बे के लिए बिक जाते हैं लोग इस देश में। तो आपने अभी जो अभी कल परसों एक केस आया कि जिसमें आपने कहा कि एक व्यक्ति को आपने मार्च में कोई जो है वो उस व्यक्ति का जो है
आपने बताया कि ये वैक्सीन की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है, ये आपने कंफर्म किया। अब आपने कहा कि 24-25 करोड़ में से एक मर गया तो क्या हो गया, तो ये जो सरकारी डेटा देने का जो आपका है कि आपके सरकारी डेटा के अनुसार एक मरा है, आपने एक कंफर्म करके एहसान कर दिया। जैसे एक मेजर ध्यानचंद जो है वो जो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, तो मैंने उनकी जीवनी पढ़ रहा था, तो उस जीवनी में लिखा हुआ था कि भाई एक बार किसी अमेरिका के खिलाफ या पता नहीं किसके खिलाफ किसी ओलंपिक में उनकी टीम ने 34-35 गोल कर दिए, ध्यानचंद जी की जो भारत की टीम थी। तो एक फिर उन्होंने अंत में क्या कहा कि उन्होंने आप एक गोल करने की जो है वो साइड में जाके ऑटोग्राफ साइन करने लगे, ये कह के कि चलो आप लोग भी एक गोल कर ही लो, एहसान सा कर दिया उनके ऊपर। ठीक वैसे ही आप लोगों ने इतने दिनों के बाद एक ऑफिशियल, पहली बात तो AEFI में जैसे केस अगर रजिस्टर AEFI में लोग नहीं करवा रहे, उनको जानकारी नहीं दी आपने, या आपके जो सेंटर वाले हैं वो जो है उसको AEFI में केस रजिस्टर करते ही नहीं है या जानकारी नहीं देते, छुपा लेते हैं उसको, तो एक तो आपने केस रजिस्टर कराने का मैकेनिज्म जो है सुदृढ़ नहीं किया, और इस कारण से आपके अंडर रिपोर्टिंग हो रही है आपके पूरे के पूरे केसों की। अब उसमें से भी आपने अब सरकारी डेटा के अनुसार जो है आपका एक ही व्यक्ति जो है वो वैक्सीन की वजह से मरा है, तो उसके जो मरे हैं बाकियों के जो जिनकी चिता जल गई उनको आप नहीं देख सकते ना। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सरकारी डेटा के ऊपर अगर चलने लगेंगे आप तो आपको जो कभी भी सही पिक्चर नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि अभी जैसे ये एक और आया है कि काफ बछड़े का जो है खून इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका RTI में आया कि भाई जो वीरो सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर जो है ये काफ सीरम जो है तब यूज होता है, लेकिन जब उसके बाद जब अंतिम प्रोडक्ट होता है उसमें ये निकल जाता है, उसमें ये उपस्थित नहीं होता, तो ये बात कहना गलत है। तो मैं ये कहता हूं, मैं किसी व्यक्ति को ये बोलूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात बोल चुका हूं कि हमारे देश में सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से भी किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो इसका बहुत ध्यान रखा गया है। मैं आपको बहुत एक बहुत यूनिक उदाहरण देता हूं इसके लिए कि हमारे यहाँ पर जो है पहले जब मल त्याग के लिए जब जाया जाता था खेतों वगैरह में, खुले में जाया जाता था, स्थान निर्धारित होते थे बकायदा, वो भी साइंटिफिकली वैज्ञानिक ढंग से उसको निर्धारित किया जाता था कि जो हवा की दिशा है उस सबके अनुसार, और वो भी घर से कई किलोमीटर दूर हुआ करता था, 1 किलोमीटर के लगभग दूर हुआ करता था, तो नजदीक नहीं होता था। तो वहां पर जब लोग जाते थे तो लोटा जो होता था, तो लोटा जो लेकर जाते थे वो किस धातु का बना हुआ है इस तक का भी ध्यान रखा जाता था कि वो जिस उस लोटे के अंदर जो पानी है वो पानी जो है किस बर्तन में होना चाहिए, जिससे कि जब आप उसे अपना जो जो आपका वो है मल द्वारा आप धोएंगे, जिसको आप जो आपका मूलाधार है उसके ऊपर किस बर्तन का पानी जो है निकल के लगाया जाएगा धोते समय, उस तक का भी ध्यान रखा गया। तो इसीलिए कभी भी हमारे यहाँ प्लास्टिक की या कोई ऐसा बर्तन इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब गुदा द्वार धोने के लिए भी ऐसा कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं किया गया जिसके अंदर से पानी यदि टच होगा तो वो आपको मूलाधार को नुकसान पहुंचाए या आपको नुकसान पहुंचाए। तो इतनी सूक्ष्मता से हमारे यहाँ ध्यान रखा गया। कभी आप किसी आश्रम में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि रोटी जब आपको पकड़ाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में भी आप जाते हो या हमारे जैसे गुरुदेव का आश्रम है वहां जाते हैं, तो हमारे वहां पे ध्यान देते हैं कि वो जब रोटी या कुछ भी पकड़ाते हैं तो वो आपका जो लेट जो बैठ जिसको भोजन करा रहे हैं और जो भोजन करवा रहा है जो दे रहा है वो कभी भी रोटी ऐसे ऊपर से छोड़ देते हैं, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ाते कि रोटी और जो आपका ये है रोटी रोटी जैसे मान लीजिए अब मेरे हाथ में मान लीजिए ये रोटी है, तो जो लेने वाला है वो एक टाइम पे ये तीनों टच नहीं होने चाहिए, मतलब वो क्या करेगा वो जैसे ही वो दे रहा है तो वो छोड़ देगा ऐसे, तो जिससे कि एक टाइम पे ये तीनों टच ना हो, क्योंकि इन तीनों के टच होने से सूक्ष्म रूप से जो है वो एक तरह से झूठा हाथ हो गया उसका। अगर वो खाना खा रहा है और झूठे हाथ से उसने ले लिया और वो देने वाला परोसने वाले का हाथ टच हो गया तो वो सूक्ष्म रूप से झूठा माना जाएगा। इसी प्रकार जो परोसने की जो कोई चम्मच होती है जिससे वो थाली में टच नहीं करते, वो ऊपर से करेंगे, तो अगर थाली में कर रहे हो, थाली में अगर टच हो गई तो वो थाली वो चम्मच झूठी हो गई और वो उस पूरे भोजन में नहीं डाली जाएगी। इतना सूक्ष्म रूप से भी ध्यान रखा गया हमारे यहाँ। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि आपका जो पूरा का पूरा ये जो काफ सिरम, मतलब किसी बछड़े गाय के बछड़े का खून सिरम जो है वो इस्तेमाल किया गया उस वैक्सीन बनाने में शुरुआत की किसी प्रोसेस में, भले वो अंतिम उत्पाद में उपस्थित ना हो,
लेकिन आप उसको ये कह के जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि वो जो है वो उससे किसी को, हम जैसे गौ भक्तों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम जो शाकाहारी हमारे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ठीक ही उसी तरह से है कि मान लीजिए मैं कल आपको ये कहूँ एक कि आपको जो पीने का पानी है उसके अंदर जो है किसी इंसान का जो है वो मल डाल दूं मैं, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप समझिएगा इसको, मल डाल दूं और मैं आपको फिर ये कहूँ कि साइंटिफिकली साबित करने के लिए कि अब जब ये मल इसमें डल गया है तो अब जो इसके अंदर जो पानी है उस पानी को निकाल कर मैं शुद्ध करके आपको पिला दूंगा, तो अंतिम स्वरूप में जो आप पानी पियेंगे उसमें मल नहीं होगा। जो आजकल चल रहा है ना कि गंगा का जो मूल स्वरूप है, गंगा जी का मूल स्वरूप, राजीव गांधी ने जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लेकर आए इस देश में, तो उसमें गंगा का मूल स्वरूप तो वहीं पर उत्तराखंड में खत्म हो जाता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है कि जो गटर का पानी है पूरा का, जिसमें मल का पानी है पूरा, मल के साथ जो जाता है उसको ट्रीटमेंट करके उसमें से मल अलग करके और शुद्ध करके उस पानी को जो है वो फिर पीने के लिए और या गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि वो जो जो पानी है वो शुद्ध हो गया, उसमें मल पहले था, तो ठीक इस तरह से सूक्ष्म रूप से यदि काफ श्रम उसमें है तो वो नहीं होगा। तो मैं जो ये पीछे पॉलिटिक्स, तो आप समझिए इस बात को कि हमारे साथ जो खेल खेला जाता है ना, ये इतना कि हमें कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर देते हैं। सरकारी डेटा के अनुसार जो है इनकी सब चीज अच्छी नजर आएंगी आपको, इसलिए मैं कहता हूँ सरकारी वर्जन पे मत जाओ। सरकारी वर्जन जो है हमेशा जो है अपने फायदे के लिए ये लोग प्रेजेंट करते हैं, सच्चाई उससे कहीं अलग होती है। क्योंकि देखो मेरे को बहुत एक जानकार है वैक्सीन के, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, उनके साथ में मेरी चर्चा हुई, तो वो मैंने उनको, उन्होंने बोला कि ये तो एक इतना अथाह सागर है वैक्सीन का जो है, इसमें तो जितने डूबते जाओगे उतना ही आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इतना गहरा नहीं डूबना है कि मैं वापस ही ना आ पाऊँ इसके अंदर से। मैं कहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति जिसके सामने ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट कर दी जाती हैं, वो सामान्य व्यक्ति बेचारा क्या करे, वो सामान्य व्यक्ति को बेचारे को इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें सब अंग्रेजी में है, इतने भारी भरकम भाषाओं के अंदर है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको समझाने के लिए जो है हम जितना इंटेंशन को समझने वाली बात है कि क्या ये लोग जो हैं जो पूरी ताकतें हैं ये इतनी बड़ी परोपकारी हैं या इतने बड़े ये धर्मात्मा हैं कि ये दुनिया का भला करने के लिए अपने पैसों को बलि चढ़ाएंगे। जो पूरा का पूरा कमर्शियल जो इकोनॉमिक्स जो इन्होंने बनाई है इस दुनिया में जनरेट किया है, बैंक इन्होंने बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, वो इस दुनिया को जो है वो कंट्रोल करने के हिसाब से बनाए हैं। तो आप इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आपके भले के लिए काम करेंगे। तो अगर ये भले के लिए काम करते हो तो इस समय जो पूरा का पूरी इंडस्ट्री इन्होंने ऐसी ऐसी खड़ी कर दी है, जिसमें जंक फूड की इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी की, इन्होंने पूरा जो अभद्रता वाली जो पूरी इंडस्ट्री जो इंटरनेट पे है उल्टे सीधे वीडियो वाली है वो खड़ी की, ये सब ये इन्होंने खड़ा किया है, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा बाजार खड़ा किया है। जैसे मैं उदाहरण भी देख रहा था, एक कोई फिल्म कोई आ रही है जिसमें एक गाँव की बच्ची है, स्केटिंग करने का जो है वो बारे में कुछ फिल्म बनी है, कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह पे आई थी, तो मैं सब इस बारे में अपडेट रखता हूँ अपने आप को। तो अब ये जो स्केटिंग वाला जो है, जैसे पहले रैपिंग जैसे हनी सिंह के द्वारा इस देश में रैप की जो है पूरी एक पद्धति आ गई, जो मतलब पहले अमेरिका में चलती थी, M&M वगैरह सब जो बोलते थे रैप, पूरा रैप गाते थे, जिसमें अब भारत में भी रैप रैप ही रैप चल रहा है, रैप ही रैप चल रहा है। किसी ने उस दिन हमारे एक साथी ने हमको कोरोना के ऊपर भी जो है बोला कि मतलब आप कोई रैप सॉन्ग बनाओ जो मतलब जिससे कि लोगों के युवाओं तक आवाज पहुंचे। तो मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, किया जा सकता है, लेकिन अब समझिए हमारे देश के संगीत को भूलकर आप रैप में फंस जाओ। अब ठीक वैसे ही स्केटिंग का जो है, अमेरिका में स्केटिंग करते हैं सब, जो स्केटिंग बोर्ड होता है, अब उन गांव की एक बच्ची को स्केटिंग के लिए जज्बा दिखाकर, किसी ने उसको दिखाया वो सब दिखाकर, उन्होंने अब स्केटिंग का एक माइंडसेट आपके ले लेके आया जा रहा है कि जैसे स्केटिंग बोर्ड जो है उसका मार्केट यहाँ बढ़ जाए। तो ये जो पूरा ये करते हैं क्रिएट खड़ी पूरी मार्केट खड़ी करने के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही मैं कहता हूं कि हम पोलियो के या किसी भी व्यक्ति बारे में जो हम बात करेंगे वो ये कि इनकी इंटेंशन क्या है। क्या बहुत लोग मुझसे पूछते हैं वेद भाई पोलियो जो है अब तो कहीं दिखाई नहीं देता, मैं कहता हूं कि आपको दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज है नहीं। आपको कागजों में जो है अगर भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो नहीं है। आप समझिए मेरी बात को कि आज अगर कोरोना के कारण यदि एक व्यक्ति मृत दिखाया गया है कागजों में, जो आंकड़ों के अनुसार अगर आप RTI करोगे तो वो कहेंगे कोरोना के टीके की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है इतने करोड़ों में, तो ऑफिशियल डेटा तो ये हो गया ना। तो आप 50 साल बाद इस डेटा को देख के आप कहोगे कि भाई केवल एक ही व्यक्ति की डेथ हुई, लेकिन क्या ये आपको लगता है सच है?
इतने सारे लोग जिन्होंने मृत्यु हुई या कोई और साइड इफेक्ट हुआ, उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई, तो फिर आप उनको कैसे कह सकते हो, एक्सक्लूड कर दिया ना आपने उसमें। तो इसी तरीके से मैं पोलियो का जो ये पूरा इंटेंशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पुष्प भार्गव जो है, जिनका नाम आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, पुष्प एम भार्गव, ये इनकी जो है 2007 में, 17-7 में जो है इनका देहांत हुआ, तो ये टीकाकरण के जो पूरा प्रोग्राम था उसमें शामिल थे ये पूरा, बहुत साइंटिस्ट। वो आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हिंदू में आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें मैं इस आर्टिकल के द्वारा एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप ये गलती से भी मत समझिएगा कि मैं जो किसी भी रूप में जो है ये वैक्सीन का इसमें किसी भी प्रकार से मैं फेवर कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि WHO, जिसके पीछे है आज भारत की सरकार और दुनिया के जो 194 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, वो अंधे बन के चल रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी को जो है वो इतना जो है बढ़ा चढ़ाकर देश को पूरे जो है गर्त में लेकर जाया जा रहा है, उसकी भूमिका में देखिए WHO किस तरह से हमारे देश के साथ जो है पार्शियलिटी करता है, और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो है किस तरह से ये करता है। तो मैं पोलियो की एक बार आपको मैं कहानी बता देता हूँ, पोलियो की कहानी बता देता हूँ पहले मैं, कि पोलियो जो है उसके दो तरह के वैक्सीन आते हैं, जो एक तो जोनास साल्क ने जो है जिसे इन्वेंट की थी, जिसको बोलते हैं IPV। IPV मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है, तो वो इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के थ्रू पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जिसका उन्होंने इन्वेंशन किया और उसके वजह से जो है उनको बहुत, उन्होंने पेटेंट भी नहीं लिया, और उनको साथ में एक जो है अल्बर्ट सबीन, सबीन SABIN, उन्होंने भी जो है एक वैक्सीन बनाया जिसको बोलते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन वही है जो बच्चों को जो दो बूंद दी जाती है पोलियो की। तो फर्क इन दोनों में क्या था कि ये दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, ये दोनों वैज्ञानिक, लेकिन काम ये पोलियो को एरेडिकेशन के लिए कर रहे थे। इनके पोलियो जो है, पोलियो से बहुत खौफ खाते थे लोग। तो ओरिजिन, पोलियो का ओरिजिन जो है मुझे अभी तक जो है बहुत पक्का पक्का ये नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका भी ओरिजिन का जो है इन्होंने जो लिखा है वो झूठ झाट ही है कुछ, जो मुझे बहुत कन्विंस नहीं कर रहा है कि पोलियो जो है इन्होंने क्या किया कि जो IPV था, जो जोनस साल्क का जो वैक्सीन था, उसमें पोलियो का जो है मृत वायरस होता था जिसको इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता था, तो उससे जो है ये वायरस जो इनकी कहानी है पूरी होती है कि एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो पूरा बन के होता था। और OPV जब अल्बर्ट सबीन ने किया, OPV में क्या था कि लाइव वायरस था और वायरस को कमजोर कर दिया था, मरा हुआ वायरस नहीं था, कमजोर कर दिया गया था उस वायरस को, और वो वायरस जो है वो बूंद के थ्रू डाला जाता था। तो इन दोनों के वैक्सीन में ये फर्क था। तो अब हुआ क्या, अब ये कहानी क्या चली, मैं आपको ये दिखाता हूं इसके अंदर, अब आपको ये समझ में आएगा आपकी। अब इन्होंने ये जो आर्टिकल था ये 2008 में लिखा था, जिसको द हिंदू में पब्लिश किया गया था। तो इसमें आपको मैं ये आर्टिकल फटाफट फटाफट समझा देता हूँ इसके अंदर। तो इवन द अप्रोप्रिएट WHO डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेट्स कि WHO के कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली ये कहते हैं कि जो OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारे देश में दी जाती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में असरदार नहीं है, काम नहीं कर रही। तो जब सेबिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो सेबिन जो साइंटिस्ट था वो इरेडिकेट नहीं कर पाया है पोलियो हमारी कंट्री में, वो अब अच्छे से स्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि 1995 से पल्स पोलियो अभियान जो है वो चल रहा है। तो ये देखिएगा आप एडिटोरियल इन, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये देखिए क्या हुआ, ये अब अगर आपके पास समय है थोड़ा सा तो इसको समझिएगा कि नॉट ओनली, इसका मैं हिंदी करता जाता हूँ, कि नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो AFP के केस हैं, वो वैक्सीनेटेड जो है जो थे उनके अंदर वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं जिनको ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई है। तो 2005 में ही क्या हुआ कि 4,800 जो है पैरालिसिस के केस आए, या उनमें से कुछ मर गए जब इनको ये पोलियो वाला AFP हुआ, नॉन पोलियो AFP हुआ। अब इसके अगर कंपैरिजन देखोगे तो 1994 में, 2005 के मुकाबले 1994 में ये जो फिगर थी पोलियो की वो 4,793 थी। तो 4,800 बच्चों को जो है 2005 में पैरालिसिस हो रहा है, और 4,793 बच्चों को जो है वो 1994 में पोलियो हुआ। तो मतलब ये हुआ कि वो जो डेटा है वो कहीं कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ ही गया पैरालिसिस का या उसके वजह से। तो इसमें दया की मतलब द पिटी ऑफ ऑल दिस वाज एंटिसिपेटेड, मतलब ये सब जो है उनको पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा।
ये भी इसी कहते हैं कि हमें बड़ी दुख होता है जानकर कि ये सब एंटिसिपेटेड था। 1999 में जो है ये भार्गव जी ने हिंदू में, ये आर्टिकल मुझे मिल नहीं रहा, ये द हिंदू में 12 दिसंबर 1999 में आर्टिकल इन्होंने लिखा था कि उन्होंने कहा कि हम शायद पोलियो को एरेडिकेट कर देते। तो ये पोलियो का एरेडिकेशन वैक्सीन के द्वारा जो है, हम लोग इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं। मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, हम लोग वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आज जो वैक्सीन को जो इन्होंने पूरा का पूरा, ये 1954 के आसपास जो है ये वैक्सीन जो है पोलियो का इन्वेंट कर लिया गया था। तो मैं कहता हूं कि उसके बाद एक वैक्सीन को सक्सेस दिखाकर इन्होंने, जैसे मार्केट में क्या होता है कि दो कॉम्पिटिटर्स हमेशा रखते हैं, पेप्सी कोको कोला, डोमिनोज पिज्जा हट, ये या ये, तो होते दोनों कचरे हैं, लेकिन उनमें से एक कचरा चुनने के लिए आपके सामने ऑप्शन दिया था कि अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पेप्सी या कोको कोला में से एक पीनी पड़ेगी, तो आप चाहे पेप्सी पियो या कोको कोला, कचरा दोनों के दोनों है। तो वैक्सीन का जो आज साइंस पूरा का पूरा आज बन गया है, हो सकता है शुरुआत में बड़ा ही शुद्ध साइंस होता हो, लोगों की हेल्प करने के लिए होता हो। इवन जो जॉनस सॉल्क जिसने IPV इन्वेंट किया था, वो तो ये तक कहता था कि हमारी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि हम एक बड़े हैं रिस्पॉन्सिबल पूर्वज जो है हम बन के बने, मतलब इज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी टू ए बेटर एंसेस्टर, हम एक अच्छे पूर्वज की भूमिका निभाएं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो ये लोग वैज्ञानिक अपने आप में अच्छे होंगे, लेकिन जब इसका कमर्शलाइजेशन हो जाता है चीजों का, चीजें बिगड़ जाती है। जोनस सॉल्क ने तो इसका पेटेंट भी नहीं लिया था, तो हो सकता है बहुत पैसा भी कमाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, अब इसमें जो मैं इस पूरे आर्टिकल का जो है, ये टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है, ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें अब जो है, मैं आपको जो इस आर्टिकल का कि WHO ने क्या हमारे साथ किया, अब हुआ क्या कि 1988 में सैम पित्रोदा जो है, ये मैं इनसे भी एक बहुत पहले लगभग 5-6 साल पहले मिला था किसी कार्यक्रम में, मिला नहीं मतलब थे किसी कार्यक्रम में, तो मैं बड़ा दृष्टि देखता था कि सैम पित्रोदा के उसमें अध्यक्षता में एक जो है नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन में जो है ये करा गया था, जिसके अंदर एविडेंस प्रस्तुत किया जाता गया था कि OPV जो है वो भारत में काम नहीं कर रही। तो सबके सब जो है वर्चुअली एवरीवन वाज कंसर्न्ड विद पोलियो एट प्रेजेंट इन मीटिंग वाज एम्बिगुअस टू शिफ्ट टू IPV, कहते IPV की तरफ, वो इंजेक्शन वाला जो पोलियो वायरस का जो टीका था उसकी तरफ जाने लगे थे। अब इंजेक्शन वाला पोलियो वायरस अच्छा है और OPV बेकार है, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा, लेकिन ये बात समझ जाइएगा कि दोनों में से एक, दोनों कचरा है। वैक्सीन जो है हम कभी इसको ठीक नहीं मानते, जो कि ओरिजिनल स्वरूप में अच्छा था, लेकिन अब जो इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है वैक्सीन को, हमें उससे प्रॉब्लम है। तो अब प्रोडक्ट बन चुका है ये, तो IPV जो है वो कहते हैं कि अच्छा है, और OPV जो है वो उसकी वजह से पोलियो नहीं रुकता है, क्योंकि OPV में क्या हो रहा है कि जब बच्चों को OPV दे रहे हैं उसमें लाइव वायरस है। वो लाइव वायरस क्या होता है कि शरीर के अंदर जब जाता है तो अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है, जैसे आजकल बहुत सारे जो गांव में जो बच्चे हैं उनका ये हाल है कि गरीबी में कारण उनको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिलता है, तो ये वायरस जब पेट में जाता है तो मुंह से लेके जो गट पूरा जो एनस है पूरा मल द्वार है वहां तक ये वायरस जो है सर्वाइव करता है और कई महीनों तक कर सकता है। तो अगर ये म्यूटेट हो गया, इसका जो है एक नया वर्जन, खतरनाक वर्जन ये बन जाता है, तो ये लेटरिंग के थ्रू निकल कर जो है, वो लेटरिंग के थ्रू जो है अलग अलग स्थानों पर जाकर अगर किसी के गलती से वो वायरस जो है वो पेट में बच्चे के चला गया, तो फिर ये पोलियो और ज्यादा कर देता है, वो भी खतरनाक स्वरूप से कर देता है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से जो है, अब जो है वो नेचुरल भगवान का दिया हुआ पोलियो नहीं हो रहा है, इस ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर जो लाइव वायरस है वो बच्चे के शरीर में जाकर और म्यूटेट होकर वो आगे फैल कर जो है और पोलियो कर रहा है, जिसको कई जगह आज अफ्रीका में भी और कई जगह जो है किया जा रहा है कि अब पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो फैल रहा है, उसको न्यूज को आप चाहें तो आप आगे देख सकते हैं। तो अब जो है IPV प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा, ये जब इसमें इसमें उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, अब सब IPV की तरफ शिफ्ट होने की उसमें डिसीजन लिया जा रहा था कि भाई IPV में हम करेंगे, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन की बजाय हम इंजेक्शन वाला जो है IPV जो है वो हम लेके आएंगे भारत के अंदर। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या था कि एक्सपेडाइट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MIPV प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट ऐसी करनी है अब भारत में जिसमें IPV प्रोग्राम जो है वो जल्दी जल्दी लागू हो। मोरल ग्राउंड्स पे हमारे जैसे हमारे बच्चों के जीवन इसमें दांव पे लगे हुए हैं,
कॉस्ट शैल बी नो कंसिडरेशन, कि भाई कितना ही कॉस्ट लगे, कितना ही पैसा लगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बच्चों के जीवन बचने चाहिए, ये उनका वो थी। तो इनको लगता था कि इन्होंने कभी भी पैसे के लिए ये नहीं सोचा कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या आयुर्वेद के तरीकों से, जैसे स्वर्ण प्राश है या उसके थ्रू जो है बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का सोचा जाए उस पर कभी, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग हैं ना, इनको लगेगा कि इसी तरीके से शायद बच्चों का जीवन बच सकता है। तो इनकी इंटेंशन ये थी कि बच्चों का जीवन बच जाए, लेकिन बुद्धि जो है वो केवल पश्चिमी तरीके से चलती थी। तो इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ आईपीवी बिफोर 1991 शैल बी एम्ड एट, मतलब 1991 तक इंडिजिनस प्रोडक्शन, मतलब भारत में ही आईपीवी का मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसा जो है एम जो किया गया, क्योंकि आईपीवी जो है जो जोनस सॉल्क ने बनाया था उसने कोई पेटेंट नहीं लिया था, तो कोई भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकता था उसके पास वो तरीका हो। तो 1991 तक जो है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो जब बच्चे जो है बड़ी संख्या में मरते हैं या पोलियो हो रहा है, तो जो जब तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको जो है परीक्षण का चूहा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये सब इन्होंने ये करा, क्योंकि एम भार्गव भी साइंटिस्ट थे, तो वो भी उसी टर्म पे सोचते थे कि भला होगा तो आईपीवी से होगा, वैक्सीन ओवरऑल जो है वैक्सीन का जो साइंस अब जो फ्लॉड हो चुका है उस पर वो बात नहीं करते थे। वो कहते हैं कि भाई आईपीवी अच्छा है, ओपीवी अच्छा नहीं है, ऐसे करके बोले। तो एज न्यू आईपीवी प्रोग्राम रैंप्स अप, तो जैसे आईपीवी प्रोग्राम बढ़ेगा, ओपीवी जो है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका जो है हम धीमे धीमे कम कर देंगे। लेकिन आईपीवी जो इंजेक्शन वाला पोलियो वायरस का वैक्सीन था उसको थोड़ा ज्यादा बनाने में महंगा होता है ओपीवी ओरल पोलियो जो, अब समझ रहे, ओपीवी मतलब ओ से मतलब ओरल, मतलब मुंह के थ्रू ड्रॉप के थ्रू देने वाला जो भारत में चल रहा, आईपीवी मतलब आई से इंजेक्शन, इंजेक्शन वाला, तो ये समझिएगा आगे से मैं आईपीवी और ओपीवी शब्द यूज करूंगा। तो ओपीवी जो है कहते हैं कि ओपीवी सस्ता पड़ता है और आईपीवी महंगा पड़ता है, तो वो कंपनसेट हो जाता है कि भाई ओपीवी आईपीवी जो है उसकी एक या दो ही डोज लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है उसको डोज देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये हर कहते ना कि 5 साल तक के बच्चों को बार बार ओपीवी ओपीवी डोज देते जाओ, ये बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कई मतलब ये बीएम हेगड़े जी जो है बोल रहे थे कि कई बच्चों में तो 31 डोज दे दी गई है। मैं WHO का एक FAQ पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बच्चों को अगर इसकी ओवरडोज दे दी जाए बार बार एक बार दो बार, तो ये कहते हैं कि हम पता नहीं कोई बच्चा भी छूट ना जाए, तो जो बच्चा भी आ रहा सबको लगा देते। तो अगर कोई बिल्कुल सरकार के कहने के अनुसार अगर हर बार पोलियो, जब भी पोलियो का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यदि वो कर रहा है, तो हो सकता है 30-31 बार उसको पोलियो की डोज दी जा चुकी हो। तो इस कारण से क्या होता है, जो अपने आप में बहुत, जो अकेले इंडिया में ऐसा हो रहा है कि 31-31 या 30-30 डोज भी कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दी जा चुकी है। ये अकेला भारत में ऐसा उदाहरण है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। तो अब जो है एक्सपेंसिव है तो कह रहे हैं कि, लेकिन ओपीवी के केस में ये शायद 10 से ऊपर जो है डोज लेनी पड़ेगी, तो भाई ओपीवी का खर्चा जो कम होता है, तो इसलिए अगर ज्यादा डोज देनी है तो भाई उसका खर्चा, तो ये तो मूर्खता वाला इन्होंने किया कि अगर भाई एक दो डोज में आईपीवी में खर्चा होता तो 10-10 डोज को डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको इकट्ठा करने का, स्टोरेज करने का, बार बार कराने का, उसके कैंपेन चलाने का, उसके ऊपर भी तो पैसा खर्च होता है, तो आपका पैसा बचेगा ना। लेकिन नहीं, इन्होंने आईपीवी को नहीं किया, इन्होंने ओपीवी को किया। फिर तो इट वॉज क्लियर दैट फॉर सम टाइम ओपीवी विल कंटिन्यू टू बी विद अस, तो क्लियर हो गया कि भाई ओपीवी का खर्चा कम है तो अभी थोड़े दिनों तक ओपीवी रहेगा। तो देन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो रामचंद्र था, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने सोवियत यूनियन में गया था, तो उसने बिबकॉल नाम की एक फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम था भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बिबकॉल। ये बुलंदशहर में सेटअप की थी, जो ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है वो प्रोडक्शन करेगी, तो ये उन्होंने बना दिया था। तो अब 1988 की इस मीटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो उसके लिए क्या करेंगे हम, इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो सेटअप की गई 90 करोड़ के खर्चे के, शुरुआत से 90 करोड़ का खर्चा लगा गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ऑफ बड़ौदा, जो उसकी इक्विटी थी इसके अंदर, और उसके मोस्टली जो मेजोरिटी शेयर्स थे वो इंस्टीट्यूट मेरेक्स, एक कंपनी थी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट रिलायबल वैक्सीन प्रोड्यूसर कहलाती थी। तो वो आईपीवी वैक्सीन जो है वो बनाने के लिए
उसके उसको काम दे दिया गया, इसके अंदर इक्विटी थी उसकी, तो 90 करोड़ में जो है एक आईवीकॉल आईवीसीओएल इवकॉल नाम की कंपनी जो है भारत में स्थापित की कर दी गई कि वो आईपीवी बनाएगी जो ओपीवी के मुकाबले ज्यादा जो है हीट स्टेबल का मतलब थोड़ी ज्यादा गर्मी में भी थोड़ा बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर पे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये आया नया ओबलाइजिंग डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ को जो है वो ज्यादा उसको हर बात में उसकी हाँ हाँ कहने का, देखो ये है असली जो इसके विषय में मैं बोल रहा था। तो अब क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने क्या कहा कि बाय दिस द वेस्ट हैड डिसाइडेड टू रिप्लेस ओपी विद आईपी, पश्चिमी देशों में यूरोप में जो डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देश है इनके अनुसार, उसके अनुसार जो है क्या हो चुका था कि आपके देश में उनके देशों में जो है ओपीवी को आईपीवी से रिप्लेस करने की तैयारी हो चुकी थी, तो देयरफॉर मार्केट हैड टू बी फाउंड फॉर ओपीवी। अब भाई उनके वहां तो आईपीवी चलेगा तो ओपीवी की मार्केट कहां रहेगी, अब ओपीवी तो खत्म हो जाएगा तो ओपीवी तो बेचना है किसी ना किसी तरीके से। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या एडवाइस किया, अब ये देखो ये है असली, डब्ल्यूएचओ एडवाइस किया कि द डेवलप्ड कंट्रीज यूज आईपीवी, कि डेवलप्ड कंट्रीज तो आईपीवी यूज करेंगी जिसकी एक दो डोज देनी पड़ती है, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज यूज ओपीवी, कि जो विकासशील देश हैं भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नाइजीरिया जैसे जिनको, और ये बड़े मजाक में ना ये 5-4 कंट्रीज थी जिनको ये बोलते थे पेन, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और नाइजीरिया, पेन कंट्रीज PAIN, पेन मतलब अंग्रेजी में जिसे बोलते दर्द, तो पेन कंट्रीज बोला करते थे, ये मुझे बात ध्यान आ गई तो मैंने कहा शेयर कर दूं। तो ये इस तरह से हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो आप लोग जो डब्ल्यूएचओ आंख बंद करके जपते रहते हो ना, इनकी क्या औकात है देखो, तो डेवलपिंग कंट्रीज ओपीवी यूज करेंगी, तो फॉर अस टू ओबलाइज डब्ल्यूएचओ मतलब हम लोग डब्ल्यूएचओ की इस बात को माने, तो दो स्टेप्स जरूरी थे कि पहला बिबकॉल नाम की जो कंपनी बुलंदशहर में शुरू की गई थी वो कोई ओपीवी जो है अपनी तरफ से ना बना पाए, पहला तो ये श्योर करना था, ये 1988 की मीटिंग की बात है कर रहा हूं मैं। और इंडिया जो है अपना आईपीवी की तरफ शिफ्ट करने का जो डिसीजन है उसको धीरे धीरे वापस ले ले कि ना जाए आईपीवी पे शिफ्ट ना हो, तो दोनों स्टेप ले लिए गए, बोथ स्टेप्स वर टेकन। बिबकॉल हैड नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल डोज ऑफ ओपीवी टिल टुडे, मतलब 2008 में जब ये आर्टिकल लिखा गया तो उन्होंने कहा कि बिबकॉल ने आज तक एक भी, तब तक अब शायद कर रहा हो लेकिन तब तक एक भी ओपीवी की डोज नहीं बनाई, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसाइडेड सून आफ्टर 1988 की मीटिंग के बाद कि बिना किसी आगे बहस के जो है परमानेंटली जो है ओपीवी पे ही हम लोग रहेंगे आईपीवी पे। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, इवकॉल नाम की कंपनी जो 90 करोड़ में खोली गई थी जो आईपीवी बनाने वाली थी देश में, उसको खूब सारे खर्चा वर्चा होने के बावजूद जो है वो उसको क्या किया गया, वो क्लोज हो गई, बंद कर दिया गया उसको। और जो कई जो सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने ये डिसीजन लेने में हेल्प की, उनको यूनाइटेड नेशन में जॉब मिली, टैक्स फ्री डॉलर सैलरीज मिली उनको रिटायरमेंट के बाद। तो ये मतलब ये है कि जो इस तरह के फैसले लेने में डब्ल्यूएचओ की मदद करते हैं, जैसे हर्षवर्धन जी को वहां डब्ल्यूएचओ में बड़ी अच्छी एक पद मिल गया, तो रिटायरमेंट के बाद अपनी जो है ये सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए जो है ये हमारे अपने देश के साथ गद्दारी कर लेते हैं ये लोग, और ऐसे ऐसे निर्णय आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए थोप जाते हैं आपके ऊपर जिसमें आपके आने वाली पीढ़ियों का भला ना हो। अब इसमें भले आईपीवी पे शिफ्ट हो जाते तो भला मुझे भी पता हो तब भी नहीं होता, लेकिन इन्होंने देखो इनको ये कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेहतर इनको लग रहा था वो भारत अपने देश के लिए लागू नहीं करवाया। ये मैं प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखता हूँ कि पूरे जीवन जो है जवानी और सब कमाते हैं खूब उल्टे सीधे कामों में, कई डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कि जिंदगी भर जो है वो कमाते हैं और आखिर में आके जब बुढ़ापा सा आता है रिटायरमेंट का टाइम आता है तब उनके अंदर एकदम से देश प्रेम जागता है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि वो जो है अपना पहले जीवन सुरक्षित करने के बाद जो है वो सब पोल खोलना शुरू करते हैं कि भाई अब उनकी उनकी बातें सुनकर जो युवा पीढ़ी है वो जो है हस्ती करे हमको तभी से कुछ करना है, लेकिन उन्हें अपना जीवन सुरक्षित किया होता है। तो ये आप इसके बारे में कई सारी बहस हो सकती है लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग दैट द कॉन्फ्रेंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कंपेरेटिव वायरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WHO इन दिल्ली, एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिकेटेड दैट 1992 में हुआ था एक मीटिंग जो है, इंडिकेटेड द प्रेफरेंस ऑफ आईपीवी ओवर ओपीवी फॉर एनी, अगर उन्होंने कहा था कि पोलियो को खत्म करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो है आईपीवी होना चाहिए ओपीवी नहीं होना चाहिए।
अब वो आईपी ओपी में बार बार बोल रहा हूँ, आईपी भी सही है ओपी भी सही है, ऐसा इस वीडियो की वजह से वो मत सोचना, लेकिन आप सोचो कोई चीज जो साबित हो रही है कि आपके देश के लिए अच्छी हो सकती थी वो इन्होंने लागू नहीं होने दी, मुख्य रूप से मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए फालतू के कमेंट्स मत करना, जिन लोगों की बात नहीं समझ में आ रही तो वीडियो छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता ये आधी अधूरी बात समझ के ना वो कमेंट नीचे करना बड़ा आसान हो ना, आजकल ऑप्शन मिल रखा है सबको, तो वो मत करना। तो प्रॉब्लम कंट्रीज जो है कंटिन्यूज, तो मतलब क्या हुआ कि बड़ी बात क्या आई कि इसमें द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वन मे देयरफॉर आस्क, एक मतलब बड़ा रुचिकर क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो, इफ यू रियली फेल्ट दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक केस फॉर यूजिंग ओपीवी, अगर ओपीवी अगर इतना ही अच्छा था विच जो कोई था नहीं अगर ऐसा कोई प्रूफ, तो व्हाई डिड वी नॉट मेक इट ऑफ, हमने खुद क्यों नहीं बनाया, तो द आंसर इज दैट दिस वुड हैव बीन सर्व्ड फॉर। अब देखो ये जो है जो लिखा है पुष्प भार्गव में, इसलिए इनका सम्मान थोड़ा करता हूं, कि द आंसर इज दैट दिस वुडंट हैव सर्व्ड द फॉरेन इंटरेस्ट टू होम वी हैड सोल्ड आवरसेल्व्स, कि ये जो है अगर ओपीवी हम खुद मैन्युफैक्चर करते जो, तो क्या हो जाता कि जो फॉरेन इंटरेस्ट है ना, जो जो पाश्चात्य जो पूरे माफिया है उनका इंटरेस्ट जो है वो उससे पूरा नहीं होता, उनका जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं होता, जिनके जिनको हम अपने आप को बेच चुके हैं, to whom we had sold ourselves, ignoring the interest of our own people, हम अपने लोगों की भलाई छोड़कर हम उनके जो है स्वार्थ को पूरी करने के लिए हमने अपने आप को उनको बेच दिया। So the sane advice of our own experts based on incontrovertible evidence, incontrovertible and evidence, तो इसका मतलब जो एडवाइस जो दी गई थी उन सबको छोड़कर जो है आपने जो है उनकी एडवाइस मानी जिसमें उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। तो इट इज अम्यूजिंग इन दिस कंटेस्ट दैट इवन अप्रोप्रिएट WHO डॉक्यूमेंट, मतलब कई WHO के डॉक्यूमेंट ये क्लियरली बोलते हैं कि ओपीवी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो काम नहीं कर पा रही ठीक से। तो अब जो है मैं आपको जो बताना चाहता था वो यही है कि आप समझ जाओ कि यदि ये सरकारें जो हैं आपकी भलाई चाहती तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलियो जो मैंने कहा इसके साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो भी आपको, आप चाहोगे तो इसके अंदर से देख लेना। ये जैसे इसमें ये इकोनॉमिक वीकली जो है इसका एक डॉक्यूमेंट है, मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें ये सब मैं PDF अपलोड कर दूंगा। तो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम एक फेलियर जो है ये इकोनॉमिक एंड रियलिटी पॉलिटिकल वीकली में छपा था, ये छपा था नवंबर 2006 में यश पॉल के द्वारा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे भी आप पढ़िए तो आपको बहुत कुछ पोलियो के बारे में जानकारी मिलेगी। ये मैं इसका PDF जो है वो अपलोड करके लिंक दे दूंगा आपको नीचे, और पोलियो इरेडिकेशन एंड नेशनल कमीशन रिक्वायर्ड। तो इसमें आप मूल रूप से ये समझना कि ये पोलियो का या कोई भी वैक्सीन का जो विषय है वो इतना बड़ा विषय है कि जिस विषय को लेकर यदि आप इसमें गोता मारने चलोगे तो शायद ऊपर भी ना पाओ। लेकिन आपको एक मूलभूत जो बात समझनी है वो ये कि अपने बच्चों की जो है इम्यूनिटी इन लोगों के हवाले करके आप अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकते। आपको करना क्या है कि अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने खुद ही सोचना है, आयुर्वेद की तरफ मुड़ना है, और वो आप काम किए बिना जो है आपका बच्चा जो है वो इम्यून नहीं हो सकता। किस चीज का वैक्सीन लगाएंगे आप, क्योंकि अब जो है जब से वैक्सीन इतने सारे वैक्सीन 20-25 वैक्सीन जो है बच्चे को लग रहे हैं, तो आपका बच्चा जो है कितने वायरस झेलेगा, कितने उसके केमिकल्स मिले हुए हैं उसके अंदर वैक्सीनेशन के अंदर। तो मैं आपको एक किताब जो है वो दिखाता हूँ जो मैंने मैं इसका PDF भी मैं बता दूंगा, ये हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन, ये पुस्तक जो है आप देखोगे तो इस पुस्तक के अंदर जो है इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। तो अपने जो पढ़े लिखे साथी जो वैक्सीन के लिए करते हैं उन सबको ये बोलो कि ये क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक केस आया था जुवेनाइल डायबिटीज का एक केस आया जिसमें लगभग 12-13 महीने की जब बच्ची थी तो उसका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही कुछ वैक्सीन लगाए गए 14-15 महीने के 16 महीने की उम्र में, तो वो अब बच्ची को जो है 500 शुगर और 400 शुगर जो है वो आई, और उसके बाद बच्चे को इंसुलिन दिया जा रहा है। तो 17-18 महीने के बच्चे को जो है वो इंसुलिन और 500 उसकी डायबिटीज का लेवल पहुंच रहा है। तो मुझे बताइए कि ये वो परिवार है जिस परिवार ने मुझसे पूछा था कि भाई मेरे परिवार वाले वृंद भाई वैक्सीन मैं देना नहीं चाहता, लेकिन परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि कल को कुछ हो गया
तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई प्रॉब्लम हो गई तो बिना वैक्सीनेशन के? तो मैंने कहा भाई वो देखो आप भाई, कोई प्रॉब्लम अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट होता है तब भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार होने नहीं वाला आपका परिवार वाला। तो मैंने पूछा कि अब भाई डायबिटीज हो गया तो आप पूछो अपने परिवार को कि कौन जिम्मेदारी लेगा बच्चे को, ये डायबिटीज जो हो गई है 18 महीने के बच्चे को। और मैंने बोला आपको, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी कि 12 महीने का जब बच्चा था तो तब कुछ टेस्ट भी, ब्लड का टेस्ट कराया था नॉर्मली जब कराते हैं रेगुलर चेकअप में, उसमें नील आया था, कुछ भी शुगर नहीं थी। तो एकदम से स्पाइक जो हुआ ये, तो ये होना भी बड़ा खतरनाक काम है, उस समय बच्चे को क्या नुकसान पहुंचेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी जो है अपना विवेक प्रयोग करिए इस किताब को, ये बहुत अच्छी किताब है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ पेज जो है इसके ट्रांसलेशन के मैं कर चुका हूँ, कुछ पेज बचे हुए। यदि कोई व्यक्ति गूगल ट्रांसलेट के बिना इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने के अंदर अगर रुचि रखता हो तो मुझसे संपर्क करके, मेरी ईमेल आईडी जो है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख दूंगा, उस पे मेल करके जो है आप मुझे रुचि दिखाइए कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से जो है इस बुक का कुछ पेजेस को ट्रांसलेट करने में हेल्प कर सकते हैं तो कौन से पेज नंबर है मैं बता दूंगा, वो तो ट्रांसलेशन करके मुझे भेजिए, तो फिर हम इस किताब को छपवा कर जो है सबको हिंदी में उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो बस इतनी ही मैं जानकारी देना चाहता हूँ आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।